बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने अपनी विधानसभा के 80 महिलाओं सहित बुजुर्गों का एक दल ट्रेन से हरिद्वार तीर्थयात्रा के लिए रवाना किया है। मंगलवार सुबह बाड़मेर से ऋषिकेश जाने वाली रेल में तिलक लगाकर दुपट्टा पहनाकर बुजुर्गों और महिलाओं के इस दल को रवाना किया गया। दल को रवाना करने के साथ बुधवार को हरिद्वार में पितातुल्य बुजुर्गों और मातृशक्ति के साथ विधायक भी वहां पर रहेंगे और गंगा मैया की आरती करेंगे, साथ ही प्रदेश और जनता के लिए समृद्धि की कामना करेंगे। बाड़मेर जिले के शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने अपनी विधानसभा के 80 महिलाओं सहित बुजुर्गों के एक दल को रेल से हरिद्वार तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। मंगलवार सुबह बाड़मेर से ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन में तिलक लगाकर और दुपट्टा पहनाकर बुजुर्गों और महिलाओं को इस दल को रवाना किया गया। इस दौरान विधायक भाटी ने कहा कि यह पहल केवल एक यात्रा के रूप में नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि एक समाज के प्रति उनके दायित्व और आदर का, जो हमारे बुजुर्गों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। दल को रवाना करने के साथ बुधवार को हरिद्वार में पिता तुल्य बुजुर्गों और मातृशक्ति के साथ विधायक भी वहां पर रहेंगे और गंगा मैया की आरती करेंगे, साथ ही प्रदेश और जनता के लिए स्मृति की कामना करेंगे। दरअसल शिव विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग पहल कर रहे हैं। कुछ माह पहले विद्यार्थियों के एक दल को विधानसभा का भ्रमण करवाया था, वहीं अब महिलाओं सहित 80 बुजुर्गों के एक दल को निशुल्क तीर्थ यात्रा पर बाड़मेर से ट्रेन से हरिद्वार रवाना किया। ट्रेन में बैठे बुजुर्गों का कहना है कि यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि बुजुर्गों के जीवन में एक अनमोल और यादगार क्षण जोड़ने की एक भावनात्मक और सराहनीय पहल है। इस यात्रा का विशेष महत्व उन बुजुर्गों के लिए है जिनके कदम शायद अब उतनी तेजी से नहीं चल पाते, लेकिन जिनकी आस्था और श्रद्धा के पंख अब भी हरिद्वार जैसे पवित्र स्थलों तक उड़ान भरने का सपना देखते हैं। दल में शामिल बुजुर्ग शैतान सिंह का कहना है कि अब तक माता पिता को तीर्थ यात्रा पर बेटे लेकर जाते थे, लेकिन पहली बार देखा है कि एक विधायक खुद के खर्चे पर पिता तुल्य बुजुर्गों और हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रही है। उन्होंने पहली बार ऐसे विधायक देखे हैं जो जनता के लिए समर्पित है। अपनों की यात्रा है, मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे परिवार के हैं, मैं इनका बेटा हूँ और एक बेटा अपना धर्म निभा रहा है और ये तमाम बुजुर्ग जिनके आशीर्वाद की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको हरिद्वार की यात्रा करवा रहे हैं, गंगा स्नान करवा रहे हैं। अपने तीर्थों में ना, अपने शास्त्रों में ना कहड़ो है कि सब गंगा स्नान में मोटू कोई पुण्य रो काम को नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तमाम बुजुर्गों ना यहाँ रो बेटो हरिद्वार गंगा स्नान वास्ते ले जाए। सब मैं सरकार का भरोसा को नहीं, और दूसरी चीज सरकार की कर है कि नहीं कर है वो करते रहे, पर एक टाबर ना आप रो धर्म निभानो चाहिए, हूँ यार टाबर हाँ यार परिवार रो हाँ और हूँ मारो धर्म निभा रही हूँ। जाहिर सी बात है कि अजा तक नेता री इमेज एक पूरे तरीके में ना बताइए कि सब पैसा खाऊ वाला उसे एड है उसे एक प्लांट एक इमेज करेड़ी है। आज आज हूँ आज तक पॉलिटिशियन पहली बार एक युवा माता भरोसा जताया है तो मारो धर्म बने मारो कर्तव्य बने मारा परिवार रहा है आने वाले समय में ना भी एडा कई सारा आयोजन लेकर आ। शिव विधायक ने कहा कि वे हमेशा कहते हैं कि जनता का बेटा बनकर सेवा करना चाहते हैं। बेटे का नैतिक धर्म और कर्तव्य होता है कि अपने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवाए। हरिद्वार का एक अलग ही महत्व अपने समाज और धर्म में, यह सब बुजुर्ग मेरे परिवार के हैं। यह मेरा सपना था कि इनको तीर्थ यात्रा पर ले जाऊँ। मैंने चुनाव के समय कहा भी था कि मेरा यहाँ के जो भी बुजुर्ग है जो जाने के लिए सक्षम नहीं है उनके हरिद्वार ले जाकर स्नान करवा कर लेकर आना है। 80 के आसपास बुजुर्ग हैं जो यात्रा करने जा रहे हैं। भाटी ने कहा कि यह तीर्थ यात्रा आगे भी जारी रहेगी, वहीं हरिद्वार रवानगी के दौरान बुजुर्ग व महिलाएं काफ़ी खुश नजर आएगी।